अब देखिए हम देखते हैं फ्लक्स, ये नया चीज आ गया कि फ्लक्स क्या है। तो फ्लक्स जो है इसी का बाल बच्चा है, किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, तो फ्लक्स है क्या चीज? कभी नल खोले हो, नल खोलते हो, पानी गिरता है कि नहीं गिरता? पानी गिरता है, नीचे बकेट लगा देते हो, लगा दिया बकेट लगाते हो, उसमें पानी इकट्ठा होता है, होता है। जब पानी इकट्ठा होता है तो पूरे पानी को हम, वो पानी का स्रोत क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो, ठीक है। और जो इकट्ठा हुआ वो क्या है? फ्लक्स है। पाइप जितना बड़ा होगा, पाइप का एरिया जितना बड़ा होगा, पानी उतना ही अधिक गिरेगा, है ना, और उतना ही जल्दी बकेट भरेगा, भरेगा या नहीं? तो पानी का भरना क्या है? फ्लक्स है। और पानी जो नल से आ रहा है वह क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वह निर्भर किस पर, किस पर करता है? एरिया बकेट जितना बड़ा होगा उतना ही फ्लक्स ज्यादा होगा, फ्लक्स ऑफ वाटर, है ना। ये खिड़की से लाइट आ रहा है, प्रकाश कर आ रहा है ना, खिड़की जितना छोटा होगा उतना ही प्रकाश, और जितना ही बड़ा होगा उतना ही प्रकाश अधिक आएगा। अब प्रकाश आए, हम टॉर्च जला रहे हैं, पूरी छान दिए 5 किलो आटा का, और दौरी रखे हैं हाथी चूके ढा, तो उसके लिए ढाका चाहिए, जितना बड़का ढाका उतना ही ज़्यादा पूरी होगा ना। तो सरफेस एरिया और किस पर निर्भर करेगा? पानी की धारा, जो पानी जो आ रहा है, जितना मोटा होगा उतना ही अधिक होगा। देखिए इस फिगर में, फिगर नंबर वन, सबसे पहले फ्लक्स कहते किसको हैं ये जानिए, कि नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू ए सरफेस एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या जो एक पृष्ठ से पार करती है, कैसा पार करती है? नॉर्मली, है ना। यानी नंबर, देखिए नंबर ऑफ, यहाँ देखो नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नॉर्मली पासिंग थ्रू ए सरफेस एरिया इज कॉल्ड, ठीक है, किसी सतह से लंबवत पार होने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। जैसे मान लो कि ये सतह है ना, ये कोई प्लेन है, एरिया, इसका एरिया होगा ए और बी, लेंथ एल और बी, लेंथ और ब्रेथ। तो एरिया जनरली पूछेंगे कि एरिया क्या होगा, तो कह दोगी अगर स्क्वायर है तो ए स्क्वायर, अगर स्क्वायर में है तो ए स्क्वायर कह दोगे। लेकिन फिजिक्स कहता है कि बेटा ए स्क्वायर क्या हो गया? मैग्नीट्यूड हो गया। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो इसका एक डायरेक्शन भी होगा, और जैसे ही डायरेक्शन होता है तो इसमें वेक्टर फॉर्म आ जाएगा, है ना। तो ए क्रॉस, क्यों क्रॉस भी? अब देखिए ये सरफेस है ना, और इससे होकर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पार हो रही है, पार हो रहा है। तब कैसा ये सरफेस, कैसा है ये, इसका वेक्टर एरिया क्या है? वेक्टर एरिया कौन सा है? ये सरफेस के नॉर्मली ये क्या हुआ? लंबवत। इसको कहते हैं एरिया वेक्टर। इसको क्या कहते हैं हम? एरिया वेक्टर, है ना। तो ये इसका एरिया वेक्टर किधर? ऐसे। डायरेक्शन क्या है? ऐसे। और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर पार कर रही है? ऐसे। मान लो इधर भी जा सकता है तो एरिया वेक्टर क्या लेंगे? ऐसे होगा। और ये एरिया वेक्टर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास कर रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर ही है ना। तो देखिए फिगर ए में आप देखिए ये क्या हुआ? प्लेन है, एक प्लेन है, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इसका एरिया वेक्टर किधर? एरिया वेक्टर किधर है? ये एरिया वेक्टर है कि नहीं है? ये क्या हुआ? एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी किधर?
इधर ही, तो इसको निकालेंगे। दूसरी चीज देखो यहाँ, दूसरा चीज इसमें भी सेम फिगर है ना। तो जब सेम फिगर है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, पास कर रहा है। यहाँ पर एक और हम प्लेन रख दिए, ये रख दिए, ठीक है, ये और ये पार हो रहा है। कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पार कर रहा है? यहाँ देखो, यह हम क्यों बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स निर्भर डिपेंड किस पर करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस पर डिपेंड करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितना अधिक होगा फ्लक्स उतना ही अधिक होगा ना। जितना अधिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उतना ही अधिक फ्लक्स। कोई प्रॉब्लम? इसको नोट कर लिया, इसको हम मिटाएंगे। हो गया है नोट? इसको किस चीज से डिनोट करेंगे हम? फाई से। फाई से डिनोट किए। अब चलिए, जब फाई से डिनोट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको हम क्या कहेंगे हम? फ्लक्स किस पर निर्भर करेगा? यह किसके प्रोपोर्शनल होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही अधिक फ्लक्स। जितना वोल्टेज अधिक जाएगा उतना ही तेज पंखा चलेगा। अब औकात से अधिक दे दे बताओ, आउट गोइंग होए लगी, फट के का हुई शॉर्ट लग जाए। दूसरी फिगर में तुम देखो, दूसरा फिगर में ये सरफेस है, ये क्या है? सरफेस है ना, और इसका भी एरिया वेक्टर यही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन किधर है? उधर ही है। तो देखिए, इस एरिया से होकर कितना फ्लक्स, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन? 1, 2, 3, 4, ठीक है। और ये एरिया क्या है? ये भी एरिया सरफेस क्या है? स्मॉल है, स्मॉल सरफेस है। स्मॉल सरफेस से होकर कै गो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहा है? दो गो पास कर रहा है, और दो गो क्या हो रहा है? बाहर से चला जा रहा है, जा रहा है। तो यह दूसरे फिगर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है किसके प्रोपोर्शनल होगा? सरफेस एरिया के होगा या नहीं? एरिया जितना बड़ा होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स उतना ही अधिक होगा, होगा या नहीं? तीसरी बात ये है, तीसरी बात ये देखो, इसको रखा गया है, दिखाया गया है ऐसे, कोई चीज ये है, ठीक है। इसका सरफेस एरिया किधर? एरिया वेक्टर कैसा? ऊपर एरिया वेक्टर। इसका जो है एरिया वेक्टर किधर होगा? ये है एरिया वेक्टर किधर? परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर है ये। ये क्या हुआ? परपेंडिकुलर, यानी हिंदी क्या हुआ? लंबवत। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे है? इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक, देखिए ये क्या हुआ? प्लेन। ये एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर हुआ। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे? ऐसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लंबवत है एरिया वेक्टर, परपेंडिकुलर है ना। तो इससे देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहा है ऐसे, तो था ऐसे था, तो बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे टकरा रहा था। लेकिन जब ऐसे, जैसे ही ऐसे इसकी इसको करेंगे, कैसे जाएगा? जाएगा, इससे टकराएगा, पास होके निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो किस पर निर्भर करता है? एंगल है ना। फ्लक्स किस पर निर्भर करेगा? एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पर निर्भर करेगा या नहीं करेगा? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तब अब देखिए, अगर इस सब को एक साथ हम मिला दें, एक साथ हम मिला दें, तो क्या हो जाएगा? फाई इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई इंटू ए, होगा कि नहीं होगा? ई ए। अब इसमें प्रोपोर्शनल चिन्ह को हटाएंगे तो कांस्टेंट होता है के, के की वैल्यू कितना होता है? 1 है ना। तो ये कितना हो जाएगा? ई। अब बात उठता है कि ये डॉट प्रोडक्ट की क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट या
डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आप देखिए इस चीज पे, है ना, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, ये एरिया वेक्टर है ना, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों के बीच का एंगल मान लो थीटा, थीटा है, हो सकता है ना। तब देखिए जब थीटा हम लेंगे तो यहाँ क्या होगा, ए कॉस थीटा की क्या होगा, कॉस थीटा की साइन थीटा, इफ थीटा इज 90, थीटा 90 डिग्री पे होता है, ये प्लेन है और एरिया वेक्टर कितना है 90 डिग्री, तो फ्लक्स कितना जा रहा है, जीरो, फ्लक्स नहीं जा रहा है। तब क्या होगा, 90 तो फ्लक्स, देन फाई कितना होगा, जीरो, है ना। अगर थीटा थीटा जीरो डिग्री, थीटा जीरो, कहने का मतलब एरिया वेक्टर क्या बोलो, ये एरिया वेक्टर है ना, एरिया वेक्टर हुआ, और इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों क्या होगा, सेम डायरेक्शन में है, एंगल कितना होगा, जीरो। जीरो जब होगा तो फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा ना, और ये क्या हो जाएगा, मिनिमम, यानी कि अधिकतम, अधिकतम, और ये क्या होगा, न्यूनतम। तो अधिकतम और न्यूनतम वैल्यू देखो तो किस में होता है, साइन में कि कॉस में, कॉस जीरो डिग्री का मान कितना है, वन है ना, और कॉस 90 का मान कितना, जीरो। तो 90 का मान है जीरो, यानी न्यूनतम सबसे कम किस में होता है, कॉस में, अधिकतम किस में होता है, साइन में। अरे जब 90 डिग्री हमको जीरो आना चाहिए न्यूनतम, तो 90 डिग्री न्यूनतम किसका मान है, कौसे का ना, जीरो, और अधिकतम जीरो डिग्री पर अधिकतम आना चाहिए, तो अधिकतम वन है ना है, तब इसमें हम क्या लगाएंगे, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्यों लगा रहे हैं आप, समझ में आया कि नहीं आया, आया तो हम इसको क्या कर देंगे, ई ए कॉस थीटा हो गया, ई ए कॉस थीटा। लेकिन आपने पढ़ा था, ए आपने पढ़ा था कि कॉस थीटा डॉट प्रोडक्ट, साइन थीटा क्रॉस प्रोडक्ट, तो इसको हम क्या दे सकते हैं, ई डॉट ए दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, कौन चीज़ का, फ्लक्स का, ठीक है, फ्लक्स का ये आपका क्या हुआ, फोर मुल्ला, मुल्ला जी का फर। अब बात उठती है कि इसमें देखो कोई चीज नज़र आ रहा है तुमको, इसकी जब दो वेक्टर कॉस थीटा में यानी डॉट प्रोडक्ट में, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, स्केलर होता है, डॉट प्रोडक्ट में पढ़ी हो ना, वेक्टर मल्टीप्लाइड वेक्टर रिजल्टेंट स्केलर, जब स्केलर होता है तो इसका रिजल्टेंट क्या हुआ, स्केलर। दो वेक्टर का कॉस थीटा में डॉट प्रोडक्ट में दो वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होता है, स्केलर। तो इसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, हैं, क्वांटिटी क्या होगा, स्केलर होगा, यानी राशि इसका क्या होगा, अदिश राशि होगा, ठीक है। अब क्या बात उठती है, किस चीज का, हैं, अब दूसरी बात की इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट है ना, तो यूनिट हम कैसे बनाएंगे, मात्रक, यूनिट का मतलब क्या हुआ, मात्रक। तो इसमें क्या क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, तो क्या हो जाएगा इसका, ये बताइए, यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, इसलिए कि न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए
और एरिया के लिए मीटर स्क्वायर हो गया, तो इसका यूनिट क्या बन गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। ये तो बात उठ गई, अगर प्लेन या ऐसे रखा हुआ है या ऐसे रखा हुआ है, मन में खचरा ही आ गया कि एकरा के तनका सा ऐसे कर दे, या कुछ ऐसा है जो इरेगुलर शेप हो, ऐसा सरफेस हो जिसका शेप रेगुलर नहीं हो, ऐसे ऐसे इधर उधर बना हो, तब हम उसका कैसे निकालेंगे। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, तब उसको भी निकालते हैं। चलिए देखिए, अभी ये तो हम देख लिए है ना, इसमें क्या किए, एक रखे, ये रखे थे, पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है, पास कर रहा है ना, इसका मन में खचरा ही आया, क्या खचरा ही आया कि टेढ़ा कर दी तरी, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है कैसा यूनिफॉर्म है ना, इसको हम क्या किए, इस शेप को ऐसे कर दिए, कर दिए, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, यहाँ से पास कर रहा है, कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन कैसे, ऐसे, और एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर कैसा, ऐसा हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन ये, और जब इसको हम तिरछा किए तो एरिया वेक्टर कैसा, ऐसा एरिया वेक्टर होगा ना, ये प्लेन था, इसको जब ऐसे किए तो एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर सरफेस के होता है, तो ये एंगल कितना हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच, थीटा। तो इसके लिए तो हमने निकाल लिया क्या कि टोटल फाई कितना होता है, ई ए कॉस थीटा होता है, ये तो हम जान गए, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि सरफेस का शेप एकदम रेगुलर है, इरेगुलर भी हो सकता है, अनशेप भी हो सकता है, है कि एने पेट फूलल है, एने मुंह सूखल है, एने कमर बड़का है, एने पैर लंबा है ना, है कि नहीं। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, तब तो अकेले छितरा जाएगा, नहीं छितरा जाएगा, तो छितराओ मत, अकेले को इकट्ठा करके रखो। हम ये तो जानते हैं कि यहाँ पे क्या ले लेंगे हम, स्मॉल सरफेस, कौन सा, डीएस ले लेंगे, यहाँ भी स्मॉल सरफेस हम ले लेंगे, कौन, डीएस, यहाँ भी स्मॉल सरफेस ले लेंगे, कौन, डीएस, यहाँ भी स्मॉल सरफेस क्या हो गया, स्मॉल सरफेस, डीएस, डीएस और डीएस, 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 डीएस ले सकते हैं हम, अब ले सकते हैं। तो देखिए टोटल सरफेस इसमें कौन, टोटल सरफेस यानी कुल क्षेत्र एरिया, कुल क्षेत्र क्या होगा, एस, टोटल क्षेत्र को हम क्या मान लिए, एस, और इसमें डीएस क्या है, स्मॉल सरफेस, स्मॉल एलिमेंट लेते हैं ना छोटा, और उसके बाद ए क्या हो जाएगा इसमें, ए, एरिया वेक्टर होगा, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन किसमें, ए, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, यानी विद्युत, इसका हिंदी भी देना होगा, ये क्या होगा, एरिया वेक्टर किसको कहते हैं, क्षेत्र सदिश को, क्षेत्रफल सदिश को, और स्मॉल सरफेस का मतलब क्या हुआ, छोटा क्षेत्र, बहुत छोटा, छोटा नहीं बहुत छोटा क्षेत्रफल, और एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर और, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल, कोण, इसका क्या होगा, कोण, है ना। अब देखो तब इसके लिए जो टोटल ये फ्लक्स होगा कैसा होगा, इसका एरिया वेक्टर कैसा होगा,
ये होगा, होगा ना, इसके लिए एरिया वेक्टर कौन होगा, ये होगा, इसके लिए एरिया वेक्टर कौन होगा, ये होगा, होगा डीएस। ये थीटा जो एंगल है यह क्या है, इस साइड में सरफेस के बाहर, सरफेस के बाहर ये जो थीटा है कितना है, थीटा जो है वेरी 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 लेस देन, वेरी वेरी नहीं सॉरी, लेस देन 90 यानी 90 से छोटा होगा, लेकिन इसमें कैसा होगा, बोलिए 90 से ज्यादा होगा। तो इसमें इधर माने उसको क्या है, आउटसाइड है ना, और इन, इन में क्या होता है 90 से 12 होगा, इनसाइड 90 से 12। तो इसमें फ्लक्स कैसा होगा, हम सबको फ्लक्स ले लेंगे, अगर इस एरिया के लिए टोटल फ्लक्स निकालते हैं तब क्या होगा है? अब बोलबे नहीं करेगा तब फ्लक्स, अरे पता है एंड पता ही फ्लक्स डी फाई ना होगा, एगो के लिए लेते हैं तो फ्लक्स क्या होगा डी फाई, टोटल एरिया के लिए फ्लक्स फाई, तो स्मॉल एरिया के लिए क्या डी फाई, तो क्या होगा डी फाई ई डॉट डी एस होगा कि नहीं, या ई डी एस कॉस थीटा, या ई डी एस कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड में निकालेंगे तो ई डी एस, आई क्या हुआ वेक्टर फॉर्म होगा ना कि नहीं होगा, तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, टोटल फ्लक्स क्या होगा हमको ये बताओ, अगर टोटल फ्लक्स फाई के लिए हम क्या करेंगे, इसको इंट्रीगेट कर देंगे किसको, डीफाई को, डीफाई को इंट्रीगेट, डीफाई 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 जोड़ेंगे तो टोटल फाई आ जाएगा, तो फाई बराबर फाई नेट, नेट दे देते हैं नेट यानी टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स कितना होगा, इंट्रीगेट कर देंगे किसको, टोटल सरफेस को, ठीक है, और डी फाई, डी फाई कितना आया है ई डॉट डी एस, निकल गया टोटल फ्लक्स। याद रखिए कि नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नॉर्मली पासिंग थ्रू सरफेस एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, किसी सतह से निकलने वाली कुल, लंबवत निकलने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं को हम क्या कहते हैं, रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, या कौन सी राशि है, स्केलर क्वांटिटी है यानी अदिश राशि है, क्यों, क्योंकि ई डॉट ए एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी हो गया, एरिया वेक्टर, तो क्या हो जाएगा, दो वेक्टर प्रोडक्ट का रिजल्टेंट वेक्टर यदि स्केलर होता है तो उसे हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, इसलिए यह स्केलर प्रोडक्ट है यानी अदिश राशि है, इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो ई डी एस कॉस थीटा, ई किसके लिए, ई रेगुलर शेप के लिए, या बहुत बड़ा शेप हो हम नहीं निकाल पाएंगे तो क्या करते हैं, डी एस डी एस डी एस डी एस निकाल के इंटीग्रेट कर देंगे, फिटास, कोई दिक्कत, किसी क्लोज सरफेस के लिए है ना, क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस, बंद पृष्ठ के लिए टोटल फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स क्या होगा, इंट्रीगेशन ई डॉट डी एस करते हैं ना हम कि नहीं करते हैं सरफेस का, तो ये ओपन सरफेस के लिए है, क्लोज सरफेस अगर रहेगा तो इसको हम एगो गोल से घेर देते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, यह बंद सरफेस, बंद एज, बंद पृष्ठ, बंद पृष्ठ के लिए ये जब मार देंगे गोल, बंद इसको गोला मार दिए तो ये क्या बन गया, क्लोज सरफेस, ठीक है, क्लोज सरफेस। अब बात उठती है कि सिस्टम, सिस्टम ऑफ चार्ज, सिस्टम ऑफ चार्ज यानी आवेश
के निकाय, निकाय है ना, आवेश का निकाय माने यह हो क्यू वन हो क्यू टू हो क्यू थ्री हो, बहुत सारा चार्ज जब होता है तो वह क्या कहलाता है, सिस्टम ऑफ चार्ज। ठीक है, तो एक सिस्टम ऑफ चार्ज से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, गुजरने वाला टोटल फ्लक्स कितना होता है या किसके बराबर होता है, चार्ज मल्टीप्लाइड फोर पाई के, जहां पर के क्या है, के इज इक्वल टू वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, तब क्या हो जाएगा फाई, इसके लिए क्या हो जाएगा चार्ज, यानी फोर पाई के इंटू क्यू है ना, फोर पाई के इंटू क्यू कहाँ पे, इनसाइड यानी अंदर में, क्यू जो अंदर में किसी बंद सरफेस के अंदर जो आवेश रखा गया है उसके कारण, बहुत सारा आवेश रखा गया है उसके कारण जो टोटल फ्लक्स होता है वह क्या होता है, फोर पाई के इंटू क्यू यानी चार्ज और फोर पाई के गुणनफल के बराबर। तो के का वैल्यू तो आप जानते हैं, ये जरूरी कहीं कहीं पड़ता है इसलिए बता दिए हैं, इसको नोट कर लो। बस फ्लक्स की कहानी ख़त्म, अब नेक्स्ट में गॉसियल थ्योरम चलेगा।